हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन जीके क्लास. दिस इज जीके बुक ऑफ क्लास टू. इन द नेम ऑफ अवर जीके बुक इज नॉलेज एनहांसमेंट. ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड, लेट्स ओपन द बुक, लेसन वन, Good Habits, and Lesson 2, Good Food Habits. Yes, we have completed. Yes, we have completed these two chapters. So, students, I hope all of you have done this work. Nice, very nice. So, today in this class, we are going to do Lesson 3 and Lesson 4. Okay. And the topic, today's topic means the name of the lesson 3rd is healthy food. So, what is the meaning of healthy food? What is the meaning of healthy food? Kya matlab hota hai healthy food ka, or in other words we can say healthy diet? Bataiye jaldi. Yes, okay. Healthy food means which is good for us, or we can say which is beneficial for our body. Okay, it is called healthy food. Means जो हमारी body के लिए हमारे लिए अच्छा हो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, healthy food. जो हमारी body है तो उसको हम उसको food की ज़रूरत होती है. किसकी, खाने की. जब हम खाना खाते हैं तो हम हमें उससे एनर्जी मिलती है, हम वर्क कर पाते हैं. तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तब हम गुड वर्क कर पाएंगे. ओके, सो इफ़ वी ईट हेल्दी मीन्स इफ़ यू ईट हेल्दी फूड देन ओनली यू कैन स्टडी प्रॉपरली. यस यस, एंड इन एग्जाम्स यू विल गेट गुड मार्क्स. अगर आप अच्छे से हेल्दी डाइट खाओगे तो आप स्टडी करोगे प्रॉपरली, देन एग्जाम में आपके क्या आएंगे, गुड मार्क्स आएंगे. एंड यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स. यस, हाँ स्टूडेंट, इफ यू गेट सिक देन कैन यू प्ले विद योर फ्रेंड्स और नॉट? नो. अगर आप बच्चों बीमार होते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकते हैं ना. नो, सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक हेल्दी डाइट, टू स्टडी, टू प्ले, टू डू मोर वर्क्स. आपको स्टडी करने के लिए, खेलने के लिए, या और भी बहुत सारे जो आप वर्क करते हो उन सब के लिए ज़रूरी है कि आप क्या लो, हेल्दी डाइट. ओके, यू शुड नॉट टेक अनहेल्दी डाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, टेक द हेल्दी डाइट एंड क्रॉस द अनहेल्दी डाइट. ओके सो स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट विच वन इज हेल्दी डाइट एंड विच वन इज अनहेल्दी डाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन, एग्स आर गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट? यस, मीन्स इट्स अ हेल्दी डाइट. वाई? बिकॉज इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन गिव्स अस एनर्जी. ओके, सो टिक हियर. एंड आइसक्रीम स्टूडेंट्स, आइसक्रीम इज कॉल्ड अनहेल्दी डाइट. ओके, इट इज स्टिल गुड बट इट्स नॉट अ हेल्दी डाइट. इफ यू टेक ओनली आइसक्रीम इन योर डाइट मीन्स इन योर मील देन इट गिव्स यू एनर्जी और नॉट? नो. ओके, अगर आप आइसक्रीम ही खाएंगे तो ये आपको एनर्जी नहीं देगी. सो इट्स नेसेसरी टू टेक हेल्दी डाइट, सो क्रॉस इट. ओके स्टूडेंट्स, फॉर वेजिटेबल्स, सो वेजिटेबल्स या दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड फॉर अवर हेल्थ. ग्रीन वेजिटेबल्स, सो यू शुड टेक ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके, सो टिक हियर. मम्मी कहती है ना कि सब्जी खाया करो, तो आपको सब्जी बच्चों ज़रूर खानी चाहिए. ओके, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं. ओके नेक्स्ट वन, चॉकलेट्स. यस, चॉकलेट्स इज नॉट अ हेल्दी डाइट. ओके, इट इज़ कॉल्ड अनहेल्दी डाइट.
चॉकलेट से बच्चों, जब आप चॉकलेट खाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके दांत भी खराब होते हैं। ओके, सो क्रॉस हियर। नेक्स्ट, नूडल्स, नो, इट इज अनहेल्दी डाइट, क्रॉस हियर। जूस, यस, जूस इज अ हेल्दी डाइट एंड इट्स गुड फॉर अवर बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिसीज। ओके, ये हमें डिसीज से बचाते हैं, तो जूस इज अ हेल्दी डाइट। सो टिक हियर। बर्गर, नो स्ट्रिंग्स। फास्ट फूड आर कॉल्ड मीन्स अनहेल्दी डाइट। ओके, सो बर्गर इज ऑल्सो कॉल्ड फास्ट फूड, सो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो क्रॉस इट। दीज थिंग्स स्ट्रिंग्स, डोंट टेक दीज थिंग्स टू मच। ओके, समोसाज, या समोसा इज ऑल्सो कॉल्ड अनहेल्दी डाइट बिकॉज इट हैज़ टू मच ऑयल इन इट। ओके, एंड इट गिव्स फैट टू द बॉडी, सो क्रॉस इट। ओके, नेक्स्ट, चपाती। चपाती मीन्स स्ट्रेंड्स रोटी, रोटी को चपाती भी कहते हैं, तो चपाती इज गुड फॉर अस। चपाती तो हम खाते ही हैं, किससे खाते हैं चपाती? दाल से खाते हैं, सब्जी से खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी हम चपाती ले सकते हैं। यस, सो दिस इज वेरी हेल्दी डाइट, सो टिक। मिल्क, ओ मिल्क इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। ओके, जो इन योर ग्रोइंग एज मीन्स ग्रोइंग ईयर्स, सो मिल्क इज वेरी नेसेसरी, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ विटामिन्स। ओके, सो यू शुड टेक इट डेली, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में आपको 2 बार मिल्क जरूर लेना चाहिए, मॉर्निंग एट नाइट। ओके, फ्रूट्स, यस, फ्रूट्स इज नोन एज अ वेरी हेल्दी डाइट। फ्रूट को तो बच्चों बहुत ही जरूरी कहा जाता है, ये आपको फ्रेश रखते हैं, एनर्जी देते हैं। ओके, और एप्पल, एप्पल के लिए क्या कहा जाता है? एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मीन्स अगर आप दिन में एक एप्पल खाते हैं डेली, तो ये आपको क्या डॉक्टर से दूर रखेगा, डॉक्टर से दूर रखेगा मीन्स आपको कोई भी डिसीज नहीं होगी, आप स्ट्रांग रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। ओके, सो टिक हियर। ओके, पिज्जा, नो स्ट्रेंड्स, इट्स अ अनहेल्दी डाइट। ओके, इट्स अ अनहेल्दी डाइट, सो क्रॉस इट। डन, गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न ऑन द पेज, ओपन पेज नंबर 8। ओके स्टूडेंट, दिस इज पेज नंबर 8, लेसन 4, अवर नेबरहुड। अवर नेबरहुड स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड? ओके, नाउ लेट्स रीड। द हाउसेस एंड प्लेसेस नियर एंड अराउंड अवर होम मेक अप अवर नेबरहुड। देर आर सेवरल यूजफुल प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। ओके, द हाउसेस एंड प्लेसेस मीन्स जो हमारे घर के पास में जो प्लेस हैं, जो हाउसेस हैं, तो वो क्या क्या बनाते हैं? वो नेबरहुड। इन हिंदी नेबरहुड इज कॉल्ड पड़ोसी। ओके, पड़ोसी या पड़ोस, मतलब हिंदी में हम क्या कहेंगे नेबरहुड को? जो पड़ोस बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है नेबरहुड, और हिंदी में पड़ोस। ओके ओके, सो नाउ लेट्स रीड अबाउट सेवरल यूजफुल प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। यस, इन अवर नेबरहुड वी आर हैविंग दीज प्लेसेस। यस और नो? यस, एज in your Jaspur, you are sitting in a Jaspur, then in Jaspur you are having a hospital also, police station, post office, bank also, market also, and fire station also. Okay, so now let's read. Look at the pictures and identify the places. Take help from the help box. Okay, help box is given. Students, it is called help box. Okay, options also we can say. So first one, now look at the picture. The name of the place is friends.
Yes, very good. The name of the place, hospital, because in this picture we can see there is a doctor and here a patient sitting. Okay, and when we go to our doctor, when we get sick, then we go to the doctor to take medicines. So right here, hospital. Okay, students, second one, police station. In this picture we can see that there is a officer sitting and here a man sitting, and he is saying his complaint and he will write. Okay, then he will take action. So right here, police station. Okay, student, next one, post office. Yes, post office. You know about post office? He is a postman. He is a postman, and in the post office, students, we post our letters. Okay, and postman, what is the work of postman? Postman delivers the letters to the person, to the respective person. Okay, so right here, post office. Okay, student, fourth one, bank. So here cash is written, check is written. So we can say this is a bank. Okay, this place is bank. So students, bank mein kya karte hain? Yes, we save our money in the bank. हम जो पैसे बचाते हैं तो बैंक का वर्क होता है हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करना या सुरक्षित रखना. गुड. फिफ्थ वन, यस, हियर वी कैन से गारमेंट शॉप, स्वीट्स शॉप एंड फ्रूट सेलर इज स्टैंडिंग. सो दिस वन, दिस प्लेस इज कॉल्ड मार्केट. एंड मार्केट, स्टूडेंट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल रेगुलरली गो टूगेदर फॉर टू परचेज एंड द थिंग्स, द नेसेसरी थिंग्स. यस, मीन्स मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम चीज़ें परचेज करने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं. यस, सो राइट हियर, मार्केट. सिक्स्थ वन, फायर स्टेशन. इट इज कॉल्ड फायर स्टेशन बिकॉज हियर वी कैन से वी कैन सी अ फायर फाइटर एंड वैन इज ऑल्सो वी कैन सी. सो फायर स्टेशन इज अ प्लेस, फायर स्टेशन. एंड अ फायर स्टेशन, सो वट इज द वर्क ऑफ फायर स्टेशन? यस, ही इज कॉल्ड फायर फाइटर एंड दे हेल्प अस, मीन्स दे हेल्प द पब्लिक इन इमरजेंसी सिचुएशन. इमरजेंसी सिचुएशन मीन्स स्टूडेंट्स, इफ कहीं मतलब जैसे आग लगी हुई होती है तो देयर वर्क टू पुट आउट द फायर्स. उनका वर्क होता है फायर को बुझाना. ओके, सो राइट हियर, फायर स्टेशन. सो स्टूडेंट, डन? यस, वी हैव लर्न्ड सम प्लेसेस नेम, और वी कैन से अवर नेबरहुड प्लेसेस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू डू चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इन बुक ओनली. ओके, डोंट राइट दिस इन नोटबुक. कॉपी में आपको नहीं लिखना है, ये बुक वर्क है, आप बुक में ही करेंगे. डन स्टूडेंट्स? डन, वेरी गुड. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू लेसन 5. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.